श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन हनुमान जी को जल से बाहर निकालकर अनाधिवास में प्रवेश कराया गया। जूठन शास्त्री ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्थापित किए जाने वाले भगवान की मूर्ति को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वैदिक नियमानुसार सर्वप्रथम जलाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास और अन्नधिवास में प्रवेश कराते हुए पांचवें दिन यथास्थान स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होता है। इस दौरान जजमान सतीश सिंह द्वारा लगातार यज्ञाचार्य की देखरेख में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान जारी रहा। तीसरे दिन अन्न, पुष्प और धन में प्रभु का प्रवेश हुआ। साथ ही यह कामना की गई कि सभी भक्तों के घर सुख समृद्धि आए, अनाज व धन धाने से भरा रहा। इस दौरान अनवरत भंडारे का आयोजन और रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड और भजन कीर्तन इत्यादि कार्यक्रम भी जारी रहा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु आकर भंडारे एवं पूजा पाठ का लाभ उठा रहे हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में स्थापित किए जाने वाले हनुमान की मूर्ति का रविवार को नगर भ्रमण कराया जाएगा। नगर भ्रमण रविवार को 12 बजे बजरंग अखंडा वैकेंट मोड़ से निकलेगा, जो अनपरा गांव से होते हुए अनपरा बजात्रेलोक की मंदिर पहुंचेगा। आयोजकों में सभी श्रद्धालु और हनुमान भक्तों से अनुरोध किया है कि नगर भ्रमण कार्यक्रम में उपस्थित सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पंडित अनिल तिवारी, अशोक त्रिपाठी, रमेश पाठक, विकास तिवारी, पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक, कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह, महामंत्री मोतीचंद यादव, उप कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, इंद्रजीत सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, सभासद अंगद सिंह, राजकुमार सिंह, राम बैसवार, मुन्ना गोस्वामी, नारायण सिंह, राकेश सिंह, प्रभात सिंह, शारदा सिंह, बबलू जायसवाल, विजेंद्र सिंह, प्रकाश सिंह, अनिल राजभर, प्रभात सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से दीपक सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।